साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाय शिरोवाहवे, सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभने दोष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुजी के सामने दक्षिणा अर्पण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भ शमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरे के आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामतमे कस्मै देवाः विखाविदेन्द्र दक्षिणां समर्पयामि। और बेटवा कहाँ गया? इधर का नाम है इधर। आज रंजीत जी भोग लगाए हैं। लो कई भाई हो, बड़ तुम्हें हो, बड़का कहाँ है? बुलाओ, गमछा देंगे उसको, बढ़िया पढ़ना, नशा नहीं करना है, बाप से दू कद आगे जाना है। हाँ मैडम को भी आरती करवा दीजिए, पत्नी को अपना। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुहो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणिश्य मुखादग्निरजायत। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि कल कान्हा जी का बर्थडे है, तो जो भी भक्तगण जो जो आएंगे सभी लोग अपने साथ एक गिफ्ट ले आएंगे और सभी जो हैं सभी को लिफाफा दिया जाएगा, और जो भी दक्षिणा कन्हैया को गिफ्ट के रूप में देना चाहें वो आप दे सकते हैं। पंडित
जो जहां भी बैठे हैं शांतिपूर्वक अपने स्थान को ग्रहण करके बैठे रहेंगे। आज रंजीत बाबू ने जनता को भोग लगाया है। लोग कहते हैं हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान को कौन कमी है कि उनको कोई भोग लगाएगा, वो तो पूरी दुनिया को भोग लगा रहे हैं, चींटी से लेके हाथी तक। और हम लोग कहते हैं हम भगवान के भोग लगाए हैं, कितना हास्यास्पद बात है। चावल आपने बनाया, दाल आपने बनाया, लड्डू आपने बनाया थोड़ी। तो इसलिए भगवान को हम लोग भोग नहीं लगाते, बल्कि भगवाने हम लोग को भोग लगाते हैं। सुदामा जब तक नहीं खाते थे तो कृष्ण भगवान द्वारिकों में नहीं खाते थे। तो रूपमणि सत्यभामा पूछती थी कि प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, बोले मेरा एक भगत अभी नहीं खाए हुए है। तो उस दिन भगवानों नहीं खाते थे। जब भक्त भूखा रहता है तो भगवानों भूखे सो जाते हैं। तो सज्जनों आइए हम सब लोग कीर्तन करते हैं। एक भक्त हैं, इन्होंने कहा है महाराज जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन प्रगति नगर में शायद इस एरिया में कोई मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है क्या इधर? कोई मंदिर नहीं है ना, भला बताइए। 5-5 करोड़ का फ्लैट खरीदे के लिए सबको औकात भगवान दिए हैं, और एक अगर मंदिर नहीं है तो आप लोगों को सोचने वाली बात है। सनातनियों में यही कमी है कि अपने धर्म के लिए एक्टिव नहीं है। सोचिए तमाम संस्थाएं, संत पोल, संत जोन्स, तमाम संस्थाएं दक्षिण भारत में पनपी और आज पूरे भारत में अपने ब्रांचेज खड़े किए हैं। अपने पूरे भारत में इन लोगों का चर्च है, मुसलमानों का पूरे भारत में मस्जिद है, लेकिन हिंदुओं को धर्म के प्रति कोई मतलब ही नहीं कि अपने धार्मिक स्थान को बनावे। अब सोचिए कि 1000 वर्ष से तो श्री राम मंदिर जब वंचित था उस पर हिंदुए अड़ंगा लगा देते थे और तमाम हिंदू लोग पूजा करने भी नहीं गए बनने के बाद। तो इतने सब लोग हैं, कोई एक जगह सुनिश्चित कर लीजिए, खरीद लीजिए चंदा करके, 10 आदमी कमेटी बना के, और भोलेनाथ का एक मंदिर बना दीजिए जहां पर 1 कट्ठा चाहे आधा कट्ठा चाहे 10 धूर जमीन हो, और वहां आपके बच्चे जाके पूजा पाठ करें। और इनका अगर मन लालसा है तो जरूर बन जाएगा, इतने लोग हैं ना, उसमें हम भी पहल कर देंगे। हमारे जितने भक्त हैं यहाँ उनसे कहेंगे, सब लोग मिल करके इस जाली को कहेंगे कि चंदा करो। और भगवान के दया से एगो मंदिर, जाली जी मंदिर नहीं है इधर, हमको कोई बतेवे नहीं किया था। खैर विषय का हमारे क्षेत्र नहीं है, बाद में चर्चा करेंगे इस पर सबको लेकर के। अब आइए हम सब लोग सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। आज का मेरा विषय है कि संसार में गुरु का क्या महत्व है और गुरु मंत्र कैसे लिया जाए, क्योंकि शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा है। इसी प्रसंग पर हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे कि मंत्र क्या है, कान में फुकवाना चाहिए या मंत्र दिया जाता है। तमाम गुरु लोग को आप लोग टीवी में देखते होंगे, ओढ़नी ओढ़ा के कान में पता नहीं क्या फूकते हैं। तो क्या यह मंत्र देने का तरीका है या मंत्र देने का कुछ और तरीका है, या हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने पहले इतिहास में हिस्टोरी में मंत्र कैसे अपने शिष्य को देते थे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। गुरु के लक्षण क्या होते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले आइए हम सब लोग थोड़ा सा कीर्तन कर लें।
क्योंकि कंप्यूटर जैसे चालू होता है तो रिफ्रेश होता है, तो उसी तरह से ये कीर्तन आप लोगों को रिफ्रेश करता है। तो ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, सब लोग बोलिएगा जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम। ओम इधर से आ जाइए अंजनी जी। ओम जय गुरुदेवम, जय कृष्ण जन्म अष्टमी महा उत्सव के उपलक्ष्य में हाईटेक अस्पताल के पीछे प्रगति नगर में इस अंशु मैरिज हॉल के परिसर में ये हाल भी अपने आप में धन्य है। तमाम बड्डे तमाम उत्सव होते होंगे, लेकिन हमको लगता है कि भागवत कथा तो किसी हॉल में इधर नहीं हुआ होगा। तो अपने हॉल का भी एक इसका, क्योंकि भगवान की चर्चा गूंज रही है, आप लोग उसी परिपेक्ष में आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे आश्रम के शिष्य और राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता ने आप लोगों को बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर वाणी से भगवान श्री कृष्ण की
अमृतमयी लीला का श्रवण करा रहे हैं और आप लोग भी बड़े भक्ति भाव से तन मन धन तीनों से आप लोग एकदम श्रद्धा भाव से सुन रहे हैं। आप लोगों के लिए यह उत्सव एक महोत्सव है। हर वर्ष आप लोग इसका इंतजार किया करते थे। हमारे आश्रम के एक वरिष्ठ संत थे और आपका जन्म इसी बिहार के भागलपुर में हुआ था। अभी शरीर से नहीं रहे, स्वामी विमुक्तानंद जी नाम था उनका, मुखिया बाबा लोग कहा करते थे और हमारे गुरु तुल्य थे। हमने कई वर्ष उनके शरण में उनके मार्गदर्शन में बिताया। तो वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया करते थे और कालांतर में हमारा अन्न जल बिहार में लिखा हुआ था तो हम बिहार में लगभग 20-22 बरस से आ गए। तो यहाँ पर भी पहले आश्रम में मनाया जाए करती थी ये जन्माष्टमी महोत्सव रानी सराय बख्तियारपुर में। तो विष्णु जी ने आग्रह किया कि महाराज जी ये यहाँ पर मनाई जाए तो अच्छा रहेगा। तो तमाम लोग तैयार हो गए, अंजनी शर्मा जी, अरविंद जी, रविंदर जाली जी और गणेश गुप्ता, तमाम भक्त पंकज जी बोले कि महाराज जी अब हम लोग सब व्यवस्था करके यहीं पर भागवत होगा तो और यहीं पर हम लोग मनाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छा, कहीं न कहीं से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई कि जैसा इन सज्जन का एक दर्द छलका है कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक सामूहिक प्रार्थना स्थल नहीं है जहाँ पर एक सनातनी अपने दुख दर्द को लेकर के अपने इष्ट के सामने आंसू बहा सके। हो सकता है उन्हीं की कृपा से ये एक उत्सव मनाया जा रहा हो और आप सब लोग इस पर विचार जरूर करेंगे। तो गुरु का जो महत्व है यही है कि गुरु समय समय पर सोए हुए समाज को जगाता है और आध्यात्म की तरफ ले जाता है। गुरु का यही काम होता है। जब आपके मन में अज्ञान अंधकार कर लेता है, उसका बसेरा कर लेता है, तब गुरु का काम होता है कि वह लाइट, टॉर्च, प्रकाश, दिया लेकर के आपके नयन को खोले। इसीलिए सज्जनों हमारे यहाँ गुरु का विशेष महत्व होता है। हमारे संसार में तीन तरह के गुरु होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जैसा आप अपने बच्चों को जन्म से संस्कार देंगे वैसा ही आपका बच्चा बनेगा। आप देखते होंगे कि रामनवमी के समय छोटे छोटे बच्चों को माताएं हमारी राम बनाती हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के समय छोटे छोटे बच्चों को हमारी माताएं कन्हैया बनाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा कृष्ण और राम जैसा बने। आरएसएस की एक प्रार्थना है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो इसलिए हम लोग मनाते हैं कि बच्चा बच्चा राम बनने की कोशिश करे, कृष्ण बनने की कोशिश करे तो माताओं, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। मैं यहाँ पर कम से कम 501 श्री कृष्ण भगवान का कल दर्शन करना चाहूंगा। इसलिए जिनके घर भी छोटे छोटे बच्चे होंगे वो यहाँ पर जब भी आएंगी, 4 बजे आएंगी, 5 बजे आएंगी, 3 बजे आएंगी, 6 बजे आएंगी, वो बना करके लगभग 1 से 5 बरस के, 7 बरस तक के जो बच्चे होंगे आपके घर में, उन्हें कृष्ण भगवान बना करके लाना और यहाँ पर अंजनी जी कुर्सी लगवा दीजिएगा, इधर भी, इधर भी। राधा भी आप लोग बना सकती हैं, राधा और कृष्ण दोनों अगर बिटिया रहे तो राधा बना के इधर बैठा दीजिए और कृष्ण रहे तो इधर कृष्ण भगवान बैठा दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है, कल याद हो गया ना, कल जन्माष्टमी है सभी छोटे छोटे बच्चों को,
और जिनके पास वस्त्र वगैरह नहीं होगा तो ये यहाँ आए हैं वो दे देंगे सजाने वाले झांकी वाले। तो गुरु का संसार में यही काम होता है, इसलिए संसार भर के लोगों का यह कर्तव्य है कि गुरु के प्रति सदैव सम्मान की भावना से रहे। तो प्रथम गुरु माता पिता, जैसा आप अपने बच्चों को सिखाएंगे वैसा ही आपका बच्चा सीखेगा। एक छोटा सा बच्चा था, बैग में गया और स्कूल से एक पेंसिल चोरी करके ले आया। माँ बड़ी खुश हो गई, चलो 5 रुपया बचाया तो बेटवा बड़ा हमर होशियार है, तेज है। बेटवन सब चोरी वोरी करे लगे तो माई कहे हमर बेटवा बड़ा तेज है, हो बाप रे बहुत तेज है, ठग लेता है सबको। और खूब बड़ाई किया। फिर वही बेटवा बैग एक दिन उठा के ले आया, जब 5 में गया LKG में पेन, 5 में गया तो बैग चुरा के लाया। माई और खुश हुई, बोले बाप रे बेटवा तेज है, बैग नहीं खरीदना पड़ेगा, 200 बचा। थोड़ा बड़ा हो गया तो लगा इधर उधर बाइक चुराने फलना चुराने, 2-4 बार जेल गया, जेल से आया बेल पर, फिर बैंक लूटने लगा। फिर बैंक लूटते लूटते नरसंहार कर दिया, 1 से अधिक मर्डर, 3 से अधिक मर्डर को नरसंहार बोलते हैं। अब नरसंहार कर दिया, हो गई फांसी की सजा। जब उसको फांसी पर लटकाया जाने लगा तो जेलर ने कहा बोल तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो। उसने कहा माई से अपने मिलूंगा और कुछ नहीं चाहिए। तब माई आकर के खड़ी हो गई, हाथ पीछे बांधा हुआ था और मुंहे से जाके अपन माईये के नाक काट लिया। सब पकड़े, बोले रे क्यों काट रहे हो, क्यों काट रहे हो। बोले जिस दिन मैं LKG में था और एक पेंसिल चोरी करके लाया था, उसी दिन अगर माई हमको 2-4 चप्पल 2-4 जूता मार के ठीक कर देती ना तो इतना बड़ा चोर हम आज नहीं बनते। इसने तो हमें प्रोत्साहित किया। तो इसलिए सज्जनों, प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जैसा आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, आप अपने बच्चों को अगर पार्क में घुमाने के लिए ले जाएंगे तो आपकी बुढ़ापा में वो सेवा क्या करेगा। अगर आप अपने बच्चों को जन्मते ही बॉय शेल्टर में भेज देंगे जहां पर एक दाई उसकी सेवा करती है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो आपको वृद्धा सेंटर में भेज देगा, अनाथ आश्रम में। यही हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में जाओ, पता लगा पिताजी क्या थे तो डॉक्टर, माई क्या थी तो इंजीनियर, अब बेटवा क्या है तो कहा कि जाओ मैया बाप शेल्टर होम में रहो। अरे जब उसको होम में रहने की जरूरत थी तो आपने उसे शेल्टर होम में डाल दिया, तो जब आपको होम में रहने की जरूरत होगी तो वो आपको शेल्टर होम में डाल दिया, क्योंकि आपने उसे पार्क तो घुमाया, आपने उसे इधर उधर घुमाया, लेकिन आपने संतों के सत्संग में भागवत की कथा में ले जाने से अपनी तौहीनी समझी। अगर वो वहां जाता तो ये जरूर सुनता कि राम भगवान अपने माता पिता की सेवा करते थे, कृष्ण भगवान अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे, कर्म क्षेत्र में विश्वास रखते थे, तो शायद वो बदलता, उसका दिमाग बदलता, लेकिन आपने तो उसे दूर रखा। अगर एक दर्जन बेटवा है, सब चोर बन जाए कबूल है, लेकिन साधु एक को नहीं बनना चाहिए। एक दर्जन है अगर सब चोर बन जाए, साधु नहीं बनना चाहिए। घर में रोज लड़ाई होती है अब माई लोगों से, तो मर्द लोग भाग जाता है आश्रम में, जहां जान गई कि साधु बन गए हैं तहां जाके गोड़ पर के मनाखे ले आएगी। तो इसलिए सज्जनों, साधु कोई खराब चीज नहीं होती है। साधु मतलब होता है साधना, और साधु मतलब होता है जो अपने माता पिता की सेवा करे। वो बच्चा घर में भी रह के गृहस्थ साधु है, और जब भगवान वहां से खींच लिए और संसार से हटा के अपने चरण में ले लिए तो वही विरक्त साधु बन जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध आज अमर हैं, स्वामी विवेकानंद जी आज अमर हैं,
तो प्रथम गुरु माता पिता, द्वितीय गुरु अध्यापक और शिक्षक गण, तमाम स्कूल हमारे भारत में हैं सनातन धर्म से ओतप्रोत अच्छी शिक्षा देने वाले। हमें तो सबसे बढ़िया स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर लगता है, वहां हम जाते हैं, सत्संग वगैरह भी सुनाते हैं और सभी सभी स्कूल अच्छे हैं, लेकिन वहां की पढ़ाई लिखाई और संस्कार जो है बिल्कुल सनातनी है। और भी एक स्कूल अच्छा लगता है, ज्ञान निकेतन, उसकी प्रार्थना हमें बढ़िया लगती है और उस प्रार्थना पर हमने एक घंटा सत्संग भी बोला है। तो ऐसे ऐसे स्कूलों में जब अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे तब जाके वो बच्चे संस्कारी होंगे और बुढ़ापा में कहेंगे कि लाओ माई तोर गोड़ दबा दियो, अन्यथा जब मॉडर्न स्कूल में पढ़ाइएगा तो कहेगा लाओ माई तोर गर्दन दबा दियो। विज्ञान कहता है कि जो चीज खराब हो गई उसका स्थान कहाँ है, डस्टबिन में, ये साइंस कहता है। तो उसको खूब साइंस पढ़ा दिया तो आप रिटायर हो गए, इसका मतलब आप खराब हो गए, आपका स्थान कहाँ है, तो शेल्टर होम में, डस्टबिन में। इसलिए बच्चों को सनातनी संस्कार देना है, शिक्षक वृंदों को, जो भी शिक्षक हैं उनका कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट को आध्यात्मिक बनाएं। अगर वो आध्यात्मिक बन जाएगा तो दुनिया में सब कुछ पा जाएगा। सोचिए भारत ने वो कर दिखाया जो कि पूरी दुनिया तरस रही है, दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी देश अपने लैंडर को नहीं भेज पाया। चंद्रयान 3 अभी कुछ वर्ष पहले मिशन कामयाब हुआ था और उस इसरो का वैज्ञानिक जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ जी है ना, उन्होंने कहा कि मैं गीता और भागवत पढ़ता हूं इसलिए मेरा ब्रेन अपडेट है, और उसी के चलते हमने इस यंत्र को बनाया और इसको भेजा। सोचिए इतना बड़ा वैज्ञानिक वो कहता है कि इस यंत्र को बनाने में विज्ञान से हमें नहीं बल्कि हमें अपने वेद और शास्त्र से इसका सहायता मिला। सोचिए कि जितने भी हमारे चार ये वेद हैं, कोई समाज शास्त्र है तो कोई संगीत शास्त्र है तो कोई ऐतिहासिक चीज है, चाहे वो यजुर्वेद हो, साम वेद हो, अथर्व वेद हो, ऋग वेद हो, इन तीनों में एक अपना हिस्ट्रिकल सजोया गया है, ये अपने आप में एक साइंस है। इसी को पढ़ करके पूरी दुनिया परमाणु और अणु बना लिया और उसका टीआरपी ले लिया और हम लोगों को कह दिया गया कि अरे हिंदू के पास तो कुछ है नहीं, जीरो की हमने उत्पत्ति की और आपके बच्चों को सिखाया जा रहा है कि सनातनी माने मूर्ख होता है। यही तो हुआ था स्वामी जी के साथ जब विदेश में गए थे तो उनको लोग मूर्खे समझ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी है कि जिस लाइब्रेरी में, क्योंकि होटल वगैरह में तो रह नहीं सकते थे, उतना पैसा था नहीं, तो एक लाइब्रेरी इंचार्ज ने उन पर कृपा किया और कहा ठीक है आपका वाणी विचार हमें अच्छा लग रहा है, आप इसी में रहो और ये बुकें हैं, जब मन उबा करे तो इसको पढ़ा करिए। अब वो बैठे रहे ध्यान में, मेडिटेशन में, तो आके बोला अरे कुछ बुक पढ़ लिया करो। बोले तुम्हारी बुक तो हमने दो दिन पहले सब की सब पढ़ ली। बोले अरे ये कैसे हो सकता है। बोले इस बुक में बताइए तो सबसे मोटी जो बुक थी वो लेके आया तो उन्होंने बता दिया फला पृष्ठ पर ये लिखा हुआ है। तो विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जब आप ध्यान और मेडिटेशन में चले जाते हैं तो इस ब्रेन में इतना क्षमता होता है कि हेडिंग पढ़ के पूरे विषय को समझा जा सकता है। जो एमएड का छात्र होता वो पूरी किताब नहीं पढ़ता, बस हेडिंग, जैसे उसे कहा जाए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लिखो, वो लिख देगा 50 पन्ना लिख देगा, वो किताब नहीं देखेगा। तो उसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी एक महापुरुष थे, अपने अंदर उस ध्यान को उन्होंने जागृत कर लिया था, फिर उन्हें किताब पढ़ने की क्या जरूरत, वो तो केवल हेडिंग पढ़ लेंगे पूरे किताब का आशय जान जाएंगे। जैसे आपके सामने जो बुक रखी हुई है इसका नाम है श्रीमद् भगवद् गीता यथार्थ गीता। अब जैसे ही यथार्थ गीता यथार्थ शब्द आ गया, आप समझ लीजिए कि इसमें जो भी बातें लिखी हुई होंगी वह रियल होंगी
और वो भ्रांति को सपोर्ट नहीं करती होंगी, वो ये नहीं कहती होंगी कि भगवान कहीं बाहर रहता है, बल्कि वो भगवान के उस सिद्धांत को बताती होंगी कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो इसलिए द्वितीय गुरु शिक्षक गण होते हैं, वो अपने बच्चों को सबसे पहले, इसलिए हमारे सनातन देश की परंपरा है कि कोई बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उससे क्या कराया जाता है, प्रार्थना, प्रेयर। क्यों कराया जाता है? क्योंकि वो आध्यात्मिक बनेगा, प्रार्थना कराई जाती है। और प्रार्थना भी कैसी हो कि जिसमें अपने देश और संस्कृति का गौरव होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। और प्रार्थना में सबसे अच्छी प्रार्थना हमको लगती है वह, शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, दीन दुखी निबलों विकलों, कैसे है ना, बचपन में सब लोगों ने पढ़ा होगा। ये प्रार्थना सबसे बढ़िया हमें लगती है और ये प्रार्थना बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जब बच्चा आपका आध्यात्मिक बन जाएगा, दुनिया में सब कुछ बन जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को आप कहते हैं कि डॉक्टर बनी हो, इंजीनियर बनी हो, कलेक्टर बनी हो, एसपी बनी हो, एको बार न कहते हैं कि बेटवा अच्छा बनी हो। आप अपने बच्चों को शुरू से उसके दिमाग में पॉजिटिविटी डालिए, केवल ये बोलिए कि अच्छा बनना, जो बनना तुम अच्छा बनना। तो अच्छा एक सगुना मोड़ का ऐसा गोलंबर है, अच्छा एक गोलंबर है, जिस गोलंबर से दुनिया के किसी रास्ते में आप जा सकते हो। अच्छा जब बन गए ना, तो आईएएस के तरफ भी रास्ता खुला हुआ है, डीएम भी बनो, कलेक्टर भी बनो, एसपी भी बनो, कुछ भी बनो, क्योंकि तुम अपने जीवन को अच्छाई के चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया। और बुरा एक ऐसा चौराहा है कि जब अगर बुरा बन गए तो डीएम भी बन जाओगे तो भी गया का डीएम सुसाइड कर लिए थे ट्रेन के आगे जाकर के। तमाम नीट कंप्लीट की हुई छात्रा भी फांसी लगा करके, तमाम लड़के इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए भी कोटा में फांसी लगा के छत से छलांग लगा करके मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद डॉक्टर इंजीनियर तो बन गए लेकिन अच्छा नहीं बन पाए थे सज्जनों। इसलिए अगर वो अच्छा बन जाते, अगर वो सनातन धर्म को समझते, तो ये जरूर एक बार सोच लेते कि हमारे उन माता पिता पर क्या गुजरेगी, उन समाज पर क्या गुजरेगा कि हमने जो मुंह काला किया और इसके बदले में हमें मौत को स्वीकारना पड़ रहा है। इसलिए सज्जनों, बचपन से ही बच्चों को ये सिखाओ कि अच्छा बनो, अच्छा बन जाएगा, दुनिया में जहां रहेगा दो रोटी की कमी नहीं होगी। आपके बाप दादा आपको क्या सिखाते थे वही याद करिए। वो लोग सिखाते थे कि इसका देखो कान बड़ा है, दो रोटी कभी नहीं घटेगी, अच्छा बनना बेटा, कुछ बनना चाहे मत बनना, अच्छा बन जाना। तो इसलिए सज्जनों, शिक्षक वृंदों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो भी बच्चे आपके क्लासरूम में जाते हैं, उनको आप विषय के साथ साथ अपने संस्कृति का, भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में, भारत में महाराणा प्रताप के बारे में, वीर भगत सिंह के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जरूर एक दो मिनट डेली क्लास लीजिए और उनको बताइए कि तुम भी ऐसा बनो। सोचिए उस समय तमाम कायर राजा थे, महाराणा प्रताप के समय तमाम कायर राजा जाकर के मिल भी गए मुगलों से, लेकिन वह महाराणा प्रताप अपने त्याग और बलिदान के चलते आज भी अमर हैं और उन कायर राजा को कोई नहीं जानता। इसलिए सज्जनों, आपका क्षणिक सुख आपको केवल थोड़े समय के लिए हाईलाइट कर सकता है, लेकिन अगर आप बलिदान देने सीख गए, आप अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठ हो गए, तो आज दुनिया आपको जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन विश्व याद करेगा। आप याद करिए, इसी बिहार से एक माटी का लाल पैदा हुआ था
जो आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन्नति किए उनका नाम था भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध के चले जाने के कई सौ वर्ष बाद उनका प्रचार प्रसार चालू हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और वह भगवान बुद्ध आज कई देशों में पूजे जा रहे हैं। तमाम देश तो ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा पीछे लगाए रखते हैं। आप 1 लाख की सामान वहां पर लिए, अगर आपके पास 80,000 रुपया है तो वो दुकानदार एक बार केवल आपसे बोलेगा कि पीछे गॉड की फोटो लगी हुई, यानी भगवान बुद्ध की। आप बोल दो गॉड प्रॉमिस, आपको सामान 20,000 की दे देगा, आप कोई खाता बही नहीं लिखेगा। इतना उनका सम्मान विदेशों में है, आदर है। तो सज्जनों, इसलिए हमारे महापुरुष जो अच्छे कर्म किए उनको इतिहास सदैव याद किया है। तो इसलिए तीसरा गुरु है आध्यात्मिक गुरु, जो सदगुरु, जो वो बताते हैं कि किस तरह काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष पर विजय प्राप्त करो, किस तरह से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इसलिए आपने देखा होगा अर्जुन को 3 गुरु थे, पहले गुरु कृपाचार्य, दूसरे गुरु द्रोणाचार्य और तीसरे गुरु भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है कि कार्पण्य दोषो पहित स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः यस्याम निश्चितं रोहितन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां शरणं प्रपन्नम्। भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए, मुझे संभालिए। तो अर्जुन ने 3 गुरु बनाया। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं गुरु एक करना चाहिए। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु गुण होता है, इसको पहले याद करिए। कोई व्यक्ति गुरु नहीं है, उसके अंदर जो अच्छा गुण है वही गुरु है। इसलिए आपने देखा होगा कि दत्तात्रेय महाराज जी ने 21 गुरु बनाए थे, आगे ये कथा बताएंगे। 24 गुरु दत्तात्रेय महाराज जी 24 गुरु बनाए। जहां भी आपको अच्छा गुण मिले वहां से आपको ले लेना है, कहने का भाव हमारा यही है। ये नहीं कि गुरु कोई व्यक्ति है, गुरु निराकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। सबके अंदर एक गुण है जो लेने लायक है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों के अंदर एक गुण है कि आप लोग लाख अवगुण हो उससे हमको मतलब नहीं, एक गुण है कि आप लोग कितना शांति से बैठ के सुन रहे हैं। ये गुण नहीं तो क्या है? तो हम उसी गुण को ले लिए। तो मेरे अंदर लाख अवगुण हो लेकिन मेरे अंदर जो गुण अगर दिखाई दे उसे आप ले लीजिए। अगर आप केवल मधुमक्खी के तरह अच्छी चीज का रसा स्वादन करेंगे तो एक दिन मधुमक्खी का शहद का भंडार हो जाएंगे। और आप अगर मक्खी के तरह केवल घाव पर बैठिएगा कि साधु जी में तो सब ठीक है, तनी यह गड़बड़ है, खाली गड़बड़वे यहां से लेके जाओगे तो एक दिन क्या बन जाओगे? मवाद के भंडार। जैसे शहद पर मक्खी भौरा जो होता है वो फूलों के रस को चूसता है, अब मक्खी जो होती है मछियन सभी घाव पर बैठा है। तो आपको भौरा बनना है, मक्खी नहीं बनना है। तो इसलिए जब गुरु के शरण में आप जाते हैं तो गुरु आपको क्या देता है? मंत्र देता है। मंत्र का क्या मतलब है कि उस मंत्र के जाप से आपका मन अंतर्मुखी हो जाता है, उस बात पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक भजन हम आप लोग को सुनाते हैं, पीछे पीछे आप लोग भी गाइएगा, बड़ा ही प्यारा भजन है। ओम गुरु चरण कमल बलिहारी रे, 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 मेरे मन की तू विधातारी
बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तानी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सब लोग बोलेंगे भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, डूबत हो ना मिले किनारा, डूबत नावन मिले किनारा, डूबत नावन मिले किनारा, डूबत नावन मिले किनारा, गुरु पल सबको दीना मारी रे, सबको दीना मारी रे, चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर करा, भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म जनों, गुरु चरण कमल बलिहारी रे,
संसार में गुरु अगर नहीं होते तो आप लोग ये भागवत कथा बैठ के नहीं सुनते। गुरु ने ही भगवान का भी नामकरण किया था। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। भगवान श्री कृष्ण का नाम भी गुरु ने ही किया था। आज लोग अपने मन से बच्चों का नाम चुन्नू मुन्नू छुन्नू पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं बिना विचारे। जो अभी भी संस्कारी परिवार है वो गुरु महाराज से अपने अपने जाके दिखवाते हैं, महाराज इसका लक्षण देखिए, उस हिसाब से नाम रख दीजिए। तो भगवान का नाम भी गुरु ने किया और भगवान ही गुरु रूप में आते हैं, भगवान ही माता रूप में आते हैं। जब दुनिया को ज्ञान देना हुआ तो नारायण ने गुरु का रूप बना लिया। जब इस दुनिया का पालन पोषण करना हुआ तो भगवान ने माँ का रूप बना लिया। जब इस दुनिया का संहार करना होता है तो भगवान दुश्मन का रूप बना लेते हैं। वही विष्णु है, वही शिव है और वही ब्रह्मा है। ये तीनों एक प्रशक्ति है, तो इसलिए गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु भगवान के चरण कमल में ये जीव बलिहारी जाता है। और भारत गुरु शिष्य परंपरा का देश है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा रही, लेकिन गुरुओं का जब इतना महत्व देखा तो कुछ पाखंडी भी गुरु बन बैठे। जैसे हर समाज में कुछ बुरे लोग होते हैं, जैसे पुलिस हैं, तो सब पुलिस तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ पुलिस ऐसे हैं कि खाली घूस ही लेते हैं। तो हमने देखा है जो ज्यादा घूस लेते हैं तो वो बाद में पुलिस लाइन में घुस जाते हैं, या तो जेल में घुस जाते हैं कोई विजिलेंस के छापा ओपा मरा गया। तो साधुए हैं तो जो अच्छे साधु हैं भजन करते हैं, और जो सिर्फ साधु के नाम पर कपड़ा पहन के, तो पता लगा धीरे से फिर उनको भी चार दिवाली के अंदर माया घुसेर देती है। तो हर क्षेत्र में अच्छे लोग हैं, हर क्षेत्र में बुरे लोग हैं। आपको अच्छे लोगों से मतलब है, बुरे को उनके नसीब पर छोड़ देना है। वो बुरा कर रहे हैं उन्हें बुरा मिलेगा। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। सोचिए मनुष्य एक अपना छोटा सा यंत्र बनाया हुआ है जिसको कहते हैं सीसीटीवी। उस सीसीटीवी अगर यहाँ लगी हो तो आपको मन में लगेगा कि बाप रे, हम किसी का चप्पल अगर चुराएंगे तो सीसीटीवी में कैद हो जाएंगे। मतलब आप सीसीटीवी से डर रहे हैं, लेकिन ईसीटीवी से नहीं डर रहे हैं जो ईश्वर की टीवी है। इसका टीवीआर तो एक दो महीना का रिकॉर्डिंग रखता है, लेकिन उस ईश्वर का जो टीवीआर है वो करोड़ों वर्ष की आपकी रिकॉर्डिंग रखे हुए है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। इसलिए आप यह कहीं मत लिखिए कि सीसीटीवी से सावधान, बल्कि ये लिख दीजिए कि आप ईश्वर टीवी से सावधान हो जाओ। ईश्वर की निगरानी में आप हो। यहाँ तक कि अब मंदिरों में भी सीसीटीवी लगाया जाता है, यानी वहां के बैठे हुए भगवान से उस चोर को तनिक भी डर नहीं है। वो दान पेटी और देवी माई के आंख चुरा के ले जाए में एको सेकेंड देरी नहीं करेगा। लेकिन अगर वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है तो उसको डर है। भगवान से डर नहीं, लेकिन बाबा साहब के संविधान से डर है कि हमको पुलिस जेल भेज देगा। तो इसलिए सज्जनों, समय जब आता है तो ये प्रकृति आपको ठीक वो चीज देने लगती है रिटर्न। गुरुत्वाकर्षण बल आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन का सिद्धांत भी पढ़ा होगा,
ये प्रकृति एक बार आपको खूब उठाती है, फिर भी उतना ही जितना ऊपर उठाएगी उतना प्रेशर से फिर नीचे भी गिराएगी। ये सृष्टि का यही नियम है। इसलिए सज्जनों, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, हे गुरु महाराज, आपके चरण कमलों की मैं बलिहारी जा रहा हूँ, बार बार दंडवत कर रहा हूँ कि मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा आपने टार दिया। भगवान, दुविधा क्या थी कि ईश्वर क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, भजन कैसे करें, ध्यान कैसे धरें, गीता में क्या लिखा हुआ है, रामायण में क्या लिखा हुआ है, ये दुविधा है। मन में लोगों के प्रश्न उठते रहता है और इसी दुविधा को गुरु जो होते हैं वो टार देते हैं। वो आपको ऐसा ज्ञान बताएंगे, भक्ति भजन साधना के बारे में बताएंगे कि आपका मन धीरे धीरे दुविधा मुक्त हो जाएगा। एक चेला था, वो गुरु महाराज के पास गया। बोले, गुरु महाराज हमको चेला बना लो। गुरु महाराज कह रहे, तुम जिंदगी भर झूठ झपाड़ी किया, इनका चोरी उनका बेईमानी, अब तुम आया है चेला बनने, चलो संत दयालु होते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवासरण सब है तक मोही, तो ठीक है ये करिया झंडा है ले ले, अजहिया लाल हो जाई हमरे पास चल ही है, तहिया मंत्र दे देंगे तुमको। वो करिया झंडा ले लिया, लटका के पीठी पर चल दिया लाठी में, रोज झंडवा देखे कि लाल हुआ कि नहीं, लाल हुआ कि नहीं। गुरु महाराज बोले हैं, लाल हो जाए तो मेरे पास आ जाना। एक दिन कहीं राजा के घर में कुछ चोर चोरी कर रहे थे, तो खग समझे, खग ही कह भाषा, वो तो चोर पहले से था ही, वो देखा कि भैया ही तो सब चोरी कर रहे हैं, तो जाके लगा प्रवचन देने। बोले, रे ये सब चोरी बेईमानी क्यों तुम लोग करता है, ये पाप है, गुरु महाराज ने बताया है। तो बोले, ससुरे चार दिन पहले तो हम तू खूब हमारे साथ है, उल्टा सीधा चोरी करता था, अखने तू बड़का साधु बन रहा है, अब दोनों में हो गया लड़ाई। अब वह झंडवा खूब मारा उस चोरवन के, एगो चोरवा के लगा माथा पर, बस छल छल खून फेंका, झंडवा हो गया लाल। सुबेरे जब उठा देखा, कहे बाप रे झंडा तो लाल हो गया, गुरु महाराज बुलाए थे। अब लिया झंडा माथा पर और चला गया गुरु महाराज के पास। बोले, गुरु महाराज झंडा लाल हो गया। गुरु महाराज ने कहा, देख राम नाम में कितनी शक्ति है कि झंडा लाल हो गया, अब तू जो राम 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 खूब जपी है। कहे, गुरु महाराज तोहरे राम नाम के बल पर झंडा लाल नहीं हुआ, अरे झंडा लाल करे बिना रात भर लाठी चलावे पड़ा है, तब जाके लाल हुआ। तो सज्जनों, गुरु महाराज जो मंत्र दे दें, अब हम बात बताएं ओकरा ले जाके गोदरेज में आप बंद कर दीजिए, तो झंडा लाल होगा नहीं होगा। जब जब समय मिले खूब नाम जपोगे तो झंडा लाल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भव सागर में नीर अपारा डूबत हो ना मिले किनारा। ये संसार एक भव सागर है, बहुत ज्यादा समय अब तो है नहीं, इसलिए आप लोग बैठे रहिए, प्रसाद लेके जाइएगा। और तो भव सागर, ये संसार को हमारे संतों ने, कोई संत ने कहा भवकूप है, कोई संत ने कहा भव सरिता है, कोई संत ने कहा भव सागर है, तो इसलिए भव सागर है। भव माने संसार, सागर माने समुद्र। एक तो सागर बाहर है, प्रशांत महासागर, कौन कौन महासागर है, हिंद महासागर, लेकिन ये क्या नाम है, ये कि ये पूरा संसार ही सागर है।
जिसमें ये जीव बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर यह भागवत कथा सत्संग चल रहा है, वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ये संसार ही सागर है और तुम पहली बार न जन्मे हो और न पहली बार मर रहे हो। इसके पहले भी हम लोगों का न जाने कितनी बार जन्म हो चुका है और इसके बाद भी न जाने कितनी बार और होगा। तो इसलिए आप आदत आपका बन गया है मरने और जीने का। इसलिए अर्जुन तुम डरता क्यों हो? डरो मत, पहली बार न जन्म रहे हो न पहली बार मर रहे हो। अगर मान लीजिए मेरी उम्र 40 है, इसमें किसी की 50 होगी, किसी की 60 होगी, कोई 5 बरस का होगा, तो वो 5 बरस पहले 40 बरस पहले कहाँ था? जब आप प्रगति नगर के किसी फ्लैट में थे तभी ने आप कथा सुनने आए, तो उसी तरह से 40 बरस पहले भी हम कहीं रहे होंगे, वहां भी कहते रहे होंगे कि ये कुर्सी मेरा है, ये गोदरेज मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, लेकिन वहां भी उसको छोड़ के आए, फिर एक दूसरा घर मिल गया, अब उसको भी कहने लगे कि ये मेरा है। गोस्वामी जी ने माया के स्वरूप को बड़ा सुंदर ढंग से मानस में पेश किया है कि तई मई तोर तोर तई माया जामे बस यह जीव निकाया। ये तेरा है, ये मेरा है, इसी का नाम माया है। न ये तेरा है न ये मेरा है, ये उसका है, इसी का नाम है माया मुक्त होना। ऐसा नहीं कि आपके पास जो है वो सब हमें दे दीजिए। तो वो पंडित कहां गया? तो इसलिए ये तेरा है नहीं मेरा है, ही भगवान का है। तो कहते हैं गुरु पल में लिया उबारी रे। भगवान जो होते हैं गुरु के रूप में आकर के, जैसे आप कोई विपत्ति में पड़ जाए तो कोई मदद कर देता है, तो उसी तरह से भगवान आपको उबार लेते हैं गुरु का रूप धर के। तो कहे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे। ये जो आदमी का कोई भी शत्रु इस संसार में नहीं है। जो आज शत्रु है हो सकता है कल मित्र हो जाए, और जो आज आपका बहुत लंगोटिया यार है कहीं कल हो सकता है सबसे बड़ा आपका दुश्मन बन जाए। तो इसलिए शत्रु कौन है हमारा और आपका? तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। मान लीजिए आपका सगुना मोड़ में कोई शत्रु हो और उसके डर से आप बंबई भाग जाइए। बंबई भी आप जाएंगे ना तो एक आध महीना में वहां कहीं दुश्मन एगो तैयार हो जाएगा। तो दुश्मन आपका तो यहाँ वाला यही है, तो वहां कैसे हो गया? तो दुश्मन आपके अंदर में बैठा हुआ है, उसको कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या मद मत्सर अभिवेक। ये दुश्मन है। तो कहे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। कभी हम काम से गिर जाते हैं, कभी क्रोध से गिर जाते हैं, कभी लोभ से गिर जाते हैं, कभी मोह से आक्रांत हो जाते हैं। ये जीव का स्वभाव है। प्रतिदिन आप जैसे आज सोचिए दिन भर कि हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन जब जिस दिन सोच लीजिएगा कि हम क्रोध नहीं करेंगे उस दिन बार बार क्रोध आएगा। और जिस दिन आप मतलब के सोच लीजिए कि आज झूठ नहीं बोलेंगे, उस दिन ऐसा ऐसा पार्टी आ जाएगा जमीन लेने के झूठ बोलने पड़ेगा। भगवान परीक्षा तुरंत लेने लगते हैं। आप सोचिए कि हम आज मौन हो जाते हैं, मौन व्रत एक दिन का रखेंगे। हर आदमी को कुछ घंटा मौन रहना चाहिए, कुछ घंटा ध्यान धरना चाहिए। तो
देखिए कि उस दिन ऐसी विषम परिस्थिति आएगी कि आपको मौन व्रत तोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन जो विवेकी होते हैं वो अपने तपस्या को अपने धैर्य को बचा के रख लेते हैं। तो कहते हैं कि सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। अगर ये कभी भी किसी के काम क्रोध लोभ ये मरे हैं तो गुरु के कृपा से। एक चेला था गुरु महाराज के पास पहुंचा, बोले मंत्र दे दो। गुरु महाराज बोले अभी नहीं दूंगा, जाओ गंगा स्नान करके आओ तब तुम्हें मंत्र दूंगा। गया गंगा स्नान करने, जब न तो एक झाड़ू मारने वाली माई डेली आश्रम में आती थी। गुरु महाराज ने उनसे कहा कि देखो वो आ रहा है ना, तो झाड़ू इतना तेजी से मारना कि कचड़ा गर्दा उसके देह पर थोड़ा जाए। तो खूब तेजी से झाड़ू मारने लगी, जब देह पर कचड़ा गया तो खटखटा के ईटा लेके दौड़ा। बोला जाने ही मार देंगे, बताओ हम गंगा स्नान करके आ रहे हैं और गुरु महाराज मंत्र देने वाले हैं और तू फिर से हमें अशुद्ध कर दिया। और भाग के लुका गई, आया गुरु महाराज के पास दंडवत किया, कहे मंत्र दे दो। गुरु महाराज कहे हम अभी काटे दौड़त है, अभी तू मंत्र लेगा, भाग अभी। जो एक साल गीता रामायण खूब पढ़ना और उसके बाद आना तो मंत्र दे दूंगा। अब सोचा बाप रे एक साल पढ़ना पड़ेगा, गया डेली 5 श्लोक गीता, 5 दोहा श्री रामचरित मानस बैठ के पढ़े खूब प्रेम से। दूसरी बार जब एक साल बीता, गुरु पूर्णिमा का समय आया गुरु मंत्र लेने के लिए, तो गुरु महाराज ने वह दासी को कहा कि छतवा पर से एक छिटवा गोबर फेंक दी है। उधर से नहा के आई ना तो एक छिटवा गोबर डाल दी है। तो उस बार तो कुछ भी नहीं बोला, खाली बुदबुदाया, बोला कैसी नीच चांद डालिन दासी यहाँ पर है, ऐसे संत आश्रम में बताओ हम आ रहे हैं तो भी ये कचड़ा डाल दी। गया गुरु महाराज से बोला मंत्र दे। बोले काटना तो बंद कर दिया लेकिन भूकंप अभी चालू है, तो जो एक साल और मन से गीता रामायण पढ़ उसके बाद आना तब मंत्र दूंगा। गया फिर एक बार गीता एक बार रामायण खूब पढ़ा, फिर 3 बार गीता पढ़ा, सब विधि समझ लिया, तब उधर से आया। तीसरी बार तो वो एक बल्टी कचड़ा रखे थी डाल दी देह पर, बोला माई और हो तो लाके डाल दो एक आग बल्टी, तोरे चलते तो 2 साल से मंत्र नहीं मिल रहा है। तब गुरु महाराज कहे ठीक है, न भूकत है न काटत है, अब बढ़िया है। बोले जो ओम ओम खूब सुबेरे शाम जपना, तो जैसा मैं बताया कि आपको ये भी बताऊंगा कि मंत्र कान में दिया जाता है कि कैसे, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कोई भी ज्योतिषाचार्य से मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ, वो आ करके हमें दिखा दे कि ओढ़नी ओढ़ा करके कान में मंत्र दिया जाता है, किस वेद में लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे गीता में रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंत्र का जिक्र किया, और कैसे किया तो कहे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लेने वाला ले ले कोई शोर मचाऊं गली गली। कनफुकवा गुरु और कनफुकवा चेला से सावधान रहिएगा, कहीं ये कनफुकवा गुरु कनफुकवा चेला करें नरक में ठेली के ठेला। जो सच्चा गुरु होता है न वो चेला बनाता है न गुरु बनाता है, वो ऐसा ज्ञान देगा कि आप अपने ओकरे रास्ते पर चलने लगोगे तो चेला हो गए। ऐसा नहीं कि 3 फाका चंदन लगा लिए राधा नामी ओढ़ लिए और हो गए हम गुरु जी के चेला, नहीं। गुरु के बताए हुए सिद्धांत पर जब तक शिष्य नहीं चलता है तब तक वो चेला नहीं है। गुरु जो बताए उस पर जब चले तब हुआ चेला। तो इसलिए किसी भी शास्त्र में ये कान फूकना नहीं है। हमारे आश्रम में एक वरिष्ठ संत थे बच्चा महाराज जी,
वो कहे एगो भक्त बोला महाराज गुरु पूर्णिमा का समय है, आप घर में आए और कान में हमारे मंत्र दे दें। तो बच्चा महाराज जी बड़े मजाकिया थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे, उन्होंने कहा तू मोबाइल अपने कान में लगा ली है वहीं से, अब हम यहीं से मंत्र दे देंगे तोरे कान में सीधे घुस जाए। हम कान नहीं फूंकते हैं, मोबाइल कान में लगा ली है, हम यहीं से बोल दे राम राम जप ओम ओम जप तोरे काने में अपने घुस जाए। तो इसलिए भगवान का जो मंत्र है ये सामूहिक रूप से आप लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम अगर आप राम राम जपते हैं तो राम राम, ओम ओम जपते हैं तो ओम ओम, 10-20 मिनट डेली बैठ करके, सास बहू टीवी सीरियल मत देखिए, ताश मत खेलिए बुजुर्ग लोग, शाम जब हो संध्या बेला जब हो तो घर में दीपक जला लो और उस दीपक को पूरे घर में घुमा दो। उसके बाद घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए, तुलसी जी और नीम का पौधा बिल्कुल एंटीबायोटिक है, गाय का गोबर एंटीबायोटिक है, तो आपके घर में अगर रहेगा तो तमाम बैक्टीरिया से लड़ता है, तो वहां पर आप रख दो और वहीं 5 मिनट बैठ के भगवान का नाम राम राम, कृष्ण भगवान कहते हैं ओम ओम, तो दोनों का मतलब एक ही है, इसमें से किसी एक का जाप कर लो, फिर उसके बाद अपना घर में जो खाना पीना है उसको बनाओ खाओ और उसके बाद देखो वहीं घर मंदिर हो जाएगा। कहें कि घर ही के मंदिर बनेबो हम मंदिर काहे को जइबो, घर को ही आपको पहले अपना मंदिर बनाना है। जब आपका घर मंदिर बन जाएगा तो बाहर में जहां भी मंदिर होगा ना वहां आप जाओगे तो अपने ही दंडवत कर लोगे, लेकिन जब घर ही में मंदिर नहीं रहेगा तो हमने कितने लोगों को देखा है कि मंदिर के सामने से गुजरेंगे और मुंह में ऐसे अंगुरी डाल के खैनी उधरे फेंक देंगे, क्योंकि दिल में उनके मंदिर नहीं बना है, तो वो बाहर मंदिर की इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके दिल में मंदिर बन जाएगा तब आप तीर्थों में जाएंगे तो चोरी नहीं करेंगे, सत्संग में आएंगे तो चप्पल नहीं चुराएंगे, आप कहीं जाएंगे तो किसी का चैन नहीं छीनेंगे। जब दिल में मंदिर बन जाएगा, और दिल में जब तक मंदिर नहीं है केवल दिखावटी है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए गुरु महाराज ने उसे मंत्र दिया कि जो बेटा खूब राम राम जपना, और मंत्र का जो जाप करने का तरीका है वो 4 विधि से है, बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा। पहले शुरू में हर कीर्तन, पूरे बिहार में एक चीज हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है यहाँ का हर कीर्तन जो 24 घंटे का प्रत्येक गांव में होता है। मैं जहाँ रहता हूँ हरे राम 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 हरे हरे, सब लोग बोलो हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कल भगवान आएंगे। इतना भाव से जपो, देखो कितनी गर्मी था लेकिन पहले दिन भगवान बारिश कर दिए कि हमर भक्त सब ठंडा में बैठ के सता थे। तो हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण।
स्तर का भजन है, इसलिए बुजुर्गों ने, संतों ने, महापुरुषों ने बताया कि ये संकीर्तन जैसे घर में आप मोर्टीन लगाते हैं तो मच्छर भाग जाता है, उसी तरह से जिस घर में 10 मिनट यह मंत्र का जाप प्रतिदिन पूरा बाल गोपाल मिलकर के बैठ करके करता है उस घर में दैविक आपदा नहीं आ सकती। इस संसार में तीन तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। एक दैहिक दुख होता है, अब दैहिक दुख का मतलब होता है किसी को एक लप्पड़ मारिएगा तो प्रतिक्रिया में आपको भी एक लप्पड़ मारेगा। दैविक दुख होता है कभी हम लोग बैठे हैं भूकंप आ जाए, इसका किसी पर बस है, पंडाल गिरेगा स्वाहा। और एक भौतिक दुख होता है जैसे अभी कोई गैस छूट जाए यहाँ पर, कोई न्यूट्रिनियन वगैरह, कोई ये जो कोरोना वायरस था ये गैस ही था,
ये भौतिक दुख हुआ उसमें सबको दुख होगा, लेकिन अगर भगवान का राम राम भजन करोगे तो दैविक दुख कम आएगा। लोगों के ऊपर ज्यादा दैविक दुख ही आता है, भौतिक दुख दैहिक दुख जो ये दैविक दुख के अंश है। जब दैविक दुख आएगा ना तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जागो प्रभु दारुण दुख दीना अता करमति पहले हरि लीना। तो जब भगवान देखेंगे कि अब इसका थोड़ा कर्म गड़बड़ा रहा है तो गड़िये लड़वा देंगे, मति गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए जब राम 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 घर में होगा, संकीर्तन होगा, तो भगवान इस मति में सुमति दिए रहेंगे। तो कहे जहां सुमति तह संपति नाना, जहां कुमति तह विपति निधाना। जहां सुमति है, एक भक्त ने लक्ष्मी जी से कहा कि माता जी आप मेरे घर में ऐसे ही बनी रहो और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी 10 पुष्ट से उसके घर में थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा देख बेटा मैं हूं चंचला और तेरे यहां हो गई हूं कैद, तू हमसे कोई एक वरदान मांग ले, अब वो वरदान मैं दे दूंगी और चली जाऊंगी। तब पूछा माता जी कल अपने पत्नी से पूछ के आऊंगा, बेटवा से, भाई से, परिवार से मीटिंग करके कि क्या वरदान मांगना है और तब आपके पास आऊंगा। गया पत्नी से पूछा तो पत्नी कहे देखिए पहले तो नौलखा हार मांगिए, अब मैरेन ड्राइव में बम्बई में फलेट, अब पटना में तो पोस बाजार में जहाँ पोस एरिया होगा वहाँ फलेट, और खूब धन मांग लीजिए, गहना गुड़िया मांग लीजिए, बस और कुछ नहीं। सोचा ये सब मांगूंगा कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाई से पूछा तो भाई कहा 200 बीघा जमीन मांग लीजिए, खूब एकदम 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा पटनों में मांग लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पूछा तो सोचा के गुरु महाराज हैं तनि उनको से पूछ ले जाके, तो अपने गुरु महाराज के पास गया। बोले गुरु महाराज रात में लक्ष्मी जी सपने में आई थी और बोली है कि बेटा तू एक वरदान कुछ भी मांग ले मैं तुम्हें दे दूंगा। गुरु ने कहा पगला सोना के अगर खेतों मांग लोगे, भंडारों मांग लोगे, खदानों मांग लोगे तो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, नश्वर है। इसलिए जो लक्ष्मीनिया से मांग लेना कि हमारे घर में सुमति बना रहे लक्ष्मी जी और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी से कहा कि माता जी घर में सब सदस्य प्रेम से रहें, नमक रोटी रहे तो मिल बांट के खाएं, माता पिता की हम सेवा करें, सब भाई प्रेम से रहें, सब गोतिनी प्रेम से रहें, यही वरदान दो सुमति दो। अब माता लक्ष्मी ने कहा जाओ ये मस्तु, और गेट के बाहर गई तो याद आया अरे मैं तो वरदान क्या दिया, और फंस गई उसके पास। बोले जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति है वहीं तो संपत्ति का वास है, अब तो मैं इसके घर से जा ही नहीं पाऊंगी। और जहां कुमति तह विपति निधाना, जिस घर में कुमति है, जिस कमेटी में कुमति है, जिस पार्टी में कुमति है, जिस गांव में कुमति है, जिस नगर में कुमति है, उस घर में, उस कमेटी में, उस मेंबरशिप में, उस पार्टी में कभी भी सुमति का वास, लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए सबको सुमति से, प्रेम से आपस में रहना चाहिए। तो मंत्र जाप की ये पहला तरीका कीर्तन, हर घर में कीर्तन 10 मिनट 20 मिनट। इस कान वालों का एक चीज हमें अच्छा लगता है कि वो लोग कीर्तन बड़ा बढ़िया करते हैं, भगवान का खूब झूम के कीर्तन करते हैं, और उसी भाव से आप लोगों को कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद तीसरे लेयर का, दूसरे लेयर का भजन आता है मध्यमा। जब यही भजन जागृत हो जाएगा तो फिर मध्यम स्वर में आप कहीं बैठे रहोगे, राम राम सुनाई देता रहेगा,
फिर पश्यंती तीसरे लेयर में आप पहुंच जाएंगे। जैसे आप नौकरी करते हैं तो दिन प्रतिदिन आपकी सीनियरिटी बढ़ते जाती है ना, आज आप एल क्लास के हैं तो कल फिर आप उससे ऊपर हो जाएंगे, फिर उससे ऊपर ग्रुप डी से उठ जाएंगे, विभागीय एग्जाम होता है। तो इसी तरह से जब नाम कीर्तन आप चालू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन भगवान करते जाएंगे। तो तीसरा प्रमोशन लेटर आपको मिल गया, पश्यंती, श्वास गई तो राम, आई तो राम। ये श्वास राम के सिवा कुछ जपती ही नहीं है। तो कहेंगे महाराज हमें सुनाई नहीं देता, तो सुनाई कैसे देगा, अभी तो बैठते हो तो मन है कि वहां ऐसे कल डील कर लेंगे, वहां ऐसे डील कर लेंगे, यहाँ तो डीलिंग संसार की चल रही थी, हमें राम राम कहाँ सुनाई देगा, यहाँ तो 1 करोड़ 2 करोड़ का चल रहा है। तो जब इसको शांत करके ध्यानस्थ मेडिटेशन करोगे और अपने आप को शून्य में ले जाओगे तो इसी श्वास से देखोगे कि श्वास जाएगी तो भगवान का नाम लेगी और श्वास बाहर आएगी तो भी भगवान का नाम लेगी। फिर आप चौथे लेयर में पहुंच गए। हर क्लास का 4 लेयर होता है, कंपनियां भी 4 तरह की गाड़ी बनाती हैं, ये माइक भी 4 तरह का बनता है और आदमी भी इस संसार में 4 तरह के हैं, धर्म भी इस संसार में 4 तरह का है। कहें कि 4 अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तो ये 4 हुआ ना, तो इस चौथा में आप कहां पहुंच गए, पश्यंती, परा की स्थिति आ गई। फिर जपे न जपावे अपने से आवे। आप देखते हैं जो जीएम होते हैं कंपनी का, आप उनका पीए फाइल लेके जाता है, वो पढ़ते नहीं है, बस देखेंगे सिग्नेचर, उसको लगा कि वो पढ़ नहीं रहे, लेकिन उनका ब्रेन इतना उन्नत हो गया है कि उस सट दे स्कैन करके वो लोग पढ़ लेते हैं। तो उसी तरह से आप परा की अवस्था में चले गए। उस समय आप सत्संग बोलते हुए, सत्संग सुनते हुए, खाना बनाते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए, ये ध्वनि परा में अपने आप सुनाई देते रहेगी। तो कहें कि द्वैत भाव सब दूर कराया, तब गुरु महाराज का जब नाम चारों विधि से जपने लगोगे ये द्वैत खत्म हो जाएगा, तब दुनिया लगेगी कि एक है। अभी लगता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे चाची हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है कि सब भगवान बैठे हुए हैं, जितने बैठे हो सब भगवान बैठे हुए, सब के अंदर भगवान है। तभी तो संतों से सब प्रेम करता है, क्योंकि संत भगवान से प्रेम करते हैं और आप भगवान से प्रेम करते हैं तो यहाँ संतों से प्रेम हो जाता है। तो इसलिए सब भगवान बैठे हुए हैं, कोई चाचा चाची मामी दादा काका काकी कोई नहीं, सब भगवान हैं। ये द्वैत का भाव खत्म हो गया और क्या हो गया, तो सिया राम मय सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कई बजल हो अंजनी जी, 8:30, हम तो बोलत रह भर रात तब न थकब, अब थोड़े देर में खत्म करब, घबरा मत लोग। कितना माई सोच रहे जल्दी सधुआ बंद करे तो भाग जाए, और कितना माई सोच रहे नहीं बाबा तनी और बोले, तनी और बढ़िया से हम सुने। तो कहते हैं कि जब द्वैत का भाव मिट जाता है तो सिया राम हर जगह भगवान ही नजर आते हैं। कह स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। गोस्वामी तुलसीदास जी जब पूरा हाईलाइट हो गए तब उनके स्वजातीय ब्राह्मण लोग सोचे कि अरे बाप रे, पंडित लोग हमेशा महापुरुषों को तंग किए हैं, और जब देखते हैं कि महापुरुष का हम कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे तो वह पंडित फिर मिठाई खाएला सट भी जाते हैं, जय जय करने लगेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के कहे के कर रामायणवे चोरवा दो, सब शक्ति रामायण में है। तो गोस्वामी जी अपना भजन कर रहे थे और 2 चोर लगा दिए, बोले वो रामायण चोरा के ले आओ, जला देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा,
ये हम लोग का जो पोंगा पंथी है ना, झूठ से जनता को ठगते हैं, गोस्वामी जी बंद कर रहे हैं। तो दोनों चोरवा अपना रात में गया, तो रात में गया तो देखा कि बाप रे, दूगो 14-13 बरस के लड़का तीर धनुष हाथे में लिए हुए, मोछ न दाढ़ी और एकदम मुकुट पहने हुए बाउंड्री के चारों तरफ धनुष लेके घूम रहे हैं। चोरवा सोचा कि बाप रे, तो तुलसीदास जी बड़े अच्छे महात्मा हैं, ये बॉडी गार्ड रखे हुए हैं, क्या रे बाप। तो गया का आप लोग कौन है, वो भगवान कुछ बोले ही नहीं, वो लोग डर के भाग आया। सुबह जब हुआ तो झूठ मूठ के गया तुलसीदास जी भी, बोले बाबा दंडवत, ये बताइए कि आप पहरेदार रखे हैं रात में क्या? हम लोग खेत में पानी पटाने जा रहे थे सींचने, तो देखे कि दो ठो तीर धनुष लेकर के आपके बाउंड्रिया के चारों तरफ घूम रहे थे। वो नहीं बोला कि चोरी करने आए थे, पानी पटाने जा रहे थे। गोस्वामी जी महापुरुष थे, ध्यान धर के देख लिया, बोले रही तो चोरी करने आया था। कहे जो ससुरा तो हो उसके साले के भाग चमक के, आज तक चंदन घिसते घिसते मर गई चित्रकूट के घाट पर, कब्भों राम जी दर्शन नहीं दिए, और तू ससुरा आया 14 बरस के राम जी 13 बरस के लक्ष्मण जी, दोनों के धन्य हो गया वो भगवान थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, रोज तुलसीदास चंदन घिसे, रोज भगवान आके चंदन लगवाए, लेकिन वो अपने रूप में नहीं आते थे ना, घोड़ा बैठ के आ जाए। वो हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप ही राम जी से मिलाते हो, इसलिए कम से कम इस दास पर भी दया करो। अंदर से तो मिल चुके थे, बाहर से मिलना था। बस हनुमान जी तुरंत है सुग्गा बने थे हो, क्या बने थे हनुमान जी? सुग्गा, सुग्गा बन के ऊपर से बोल दिए, तोता, ये सुखदेव महाराज हैं ना बैठे आगे, तो वह बोल दिए चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी तुलसीदास चंदन देत, तिलक तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तब तुलसीदास समझ गए तो रघुवीर आए हैं, भगवान आए दंडवत किए। तो सज्जनों कहते हैं, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। ये गुरु का काम होता है कि पूर्ण ब्रह्म को बस आप को दिखा देंगे। जब पूर्ण ब्रह्म का दर्शन हो गया तो दुनिया में कुछ दो नजर आएगा ही नहीं। अभी आप कहोगे कि यहाँ 300 कुर्सी है, हम कहेंगे कि नहीं एक कुर्सी है, अब होगा लड़ाई। हम भी सही बोल रहे हैं और आप भी सही बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं 300 कुर्सी लगी हुई है, मैं कह रहा हूं कुर्सी एक है। आप इस कुर्सी को अलग अलग समझ के बोल रहे हैं कि 300 कुर्सी है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुर्सी एक है, क्योंकि कुर्सी जिस मटेरियल जिस फेविकोल से बना है वो एक ही है, और उसी से ये न जाने कितनी कुर्सियां तैयार हो गई। आपके दृष्टि में और मेरे दृष्टि में यही फर्क है। मैं समझ रहा हूं कि ये एक है और आप समझ रहे हैं ये कई सौ। तो यही गुरु का काम होता है कि जो आपके अंदर दुविधा है उसको एक में बदल दे और वो हो जाएगी फिर जीरो। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा, जीरो इज गॉड, भगवान आपको जीरो बना देता है, उसमें पूर्ण ब्रह्म का दर्शन करा देता है। तो कहते हैं, घट घट ज्योति तिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भगवान ने तो सिर्फ इस संसार में जन्म दिया, लेकिन इस जन्म मरण के भय से अगर छुड़ाने वाला होता है तो है गुरु। गुरु ही आपको, इसलिए आप किसी चलते फिरते को गुरु मत बना लेना। जिसके अंदर शास्त्रीय गुण हो, जिसके अंदर गीता रामायण के अनुसार गुण हो, जिसको गीता रामायण गुरु कहती है बनाने के लिए, तो सबसे पहले गुरु बनाना गीता रामायण को। और जब गीता रामायण खूब पढ़ लोगे ना,
तो कौन साधु हैं और कौन असाधु हैं अपने समझ जाओगे और गुरु बना लोगे। सोचो कि तमाम यहाँ गुरु बने बैठे हैं, अभी 300 आदमी मर गए, वो एगो बेचारा गुरु है, जींस पैंट पहन के बेल्ट लगा के सत्संग बोलता है। अभी ना यूपी में हुआ था हादसा। अब सोचिए कि गलती तो आप लोगों की है, जो ऐसे ऐसे लोगों को भी गुरु आप लोग मान लेते हैं। जैसे अगर आप ड्राइवर हैं तो आपका लाइसेंस देखता है आरटीओ, अपने डाटा से मिलाता है, फिर आपको अगर मैच करता है तो छोड़ देता है, नहीं तो फाइन मारता है। तो उसी तरह से हम जो बात बोल रहे हैं इसको आप मैच करिए अपने डाटा से, गीता और रामायण से। अगर आप गीता रामायण पढ़ेंगे तब ना इसको मैच करिएगा कि साधु जी जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। और आपके पास जुआ और ताश खेलने का समय है, दूसरे का शिकवा शिकायत करने का समय है, लेकिन अगर समय नहीं है तो अपने शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए समय है। आप धर्म को मनोरंजन बना दिए हैं, आप पूजा को मनोरंजन बना दिए हैं, चाहे छठ पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे देवी पूजा हो, चाहे सावन मास हो, इसमें मनोरंजन ज्यादा दिखता है और पूजा भाव कम दिखता है। अब आप डीजे क्यों बजाते हैं, गंदा गाना क्यों बजाते हैं भगवान के मूर्ति के भसान में, तो ये मनोरंजन नहीं तो क्या है? अदर संप्रदाय वाला क्या कहेगा कि एक देवी जी वहां पर बैठी हुई हैं, आई चुप 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 गाना बजा रहा है। तो इसलिए सज्जनों आपको ये समझना होगा कि पूजा अलग चीज है और मनोरंजन अलग चीज है। धर्म में मनोरंजन का स्थान नहीं है। हाँ, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाइए, आप भजन जागरण करवाइए, ये सब उचित है, लेकिन आप गंदा गाना अगर बजा रहे हैं तो आप धर्म कहाँ कर रहे हैं? तो क्या बता रहे थे हम? क्या किसी को याद है अभी इसके पहले क्या बता रहे थे? सबके मन लगे है कि रंजीत के तस्मई पर है, दूध लगता है बढ़िया है, हमहू के महक रहा है यहाँ तक, बस समापन कर रहे हैं। तो इसलिए सज्जनों गुरु का महत्व है, सबके जीवन में गुरु होना चाहिए, लेकिन किसी अनटप्पे को गुरु नहीं बनाना है। पहले गीता और रामायण को गुरु बनाओ, उसके बाद गीता और रामायण जो संत की पहचान देती है उसे बनाओ। इसलिए डाटा से मैच करो, कहाँ लिखा हुआ है शास्त्र में कि घर में नेबुआ मरचा टांगे से ग्रह नहीं आता है और लक्ष्मी यंत्र टांग देने से लक्ष्मी जी आ जाती हैं? तब तो भारत में के आरबीआई में जाके लक्ष्मी यंत्र टांग दीजिए, अब बिहार के वित्त मंत्रालय में टांग दीजिए, सबसे पहले बिहार सब राज्य से ज्यादा आगे हो जाएगा। जब लक्ष्मी यंत्र टांगे से लक्ष्मी जी आती है तब वित्त मंत्रालय में ना टंगना ठीक है, अपना घर में कहला बढ़ा रहे हो? अपना घर में बढ़ाओगे तो 8 घंटा मशीन गिनेगी तो उन्हें बता पाएगी कितना रुपया, और सीबीआई छापा मारेगा, जेलो चल जाओगे। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि कर्म यंत्र करो, जब अपने कर्म को मजबूत करोगे, कार्य करोगे, तब आपका लक्ष्य भी मिल जाएगा और घर में लक्ष्मी भी आ जाएगी। इसलिए सज्जनों इसी के साथ कल आपको हम बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ होता है, कितना साल पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख प्रमुख चमत्कार क्या थे। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए सब लोग अपने अपने बच्चों को कान्हा बना के जरूर ले आइएगा। कितने लोग लाएंगे, हाथ उठाइए। एक माई हाथ उठाई, वह उठाई। जिनके पास बेटवा नहीं होगा रोना मत, अगला साल हो जाएगा तो फिर बना के ले आना। जिनके पास बिटिया होगी तो भगवान से गुरु महाराज से मांग लेना कि एगो पोता पोती दे दो प्रभु। तो इसलिए सब लोग आइएगा। अच्छा ये बताइए कि कितना पहली बार सत्संग सुन रहे हैं ये, और कितने लोग ऐसे हैं जो अगला बार सुन चुके, हाथ उठाइए। तो सब लोग अगला बार सुने हुए हैं, नहीं कुछ लोग पहली बार हैं।
तो इसलिए बहुत बढ़िया आप सब लोग आइए, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा राम चंद्र भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। आरती आप लोग प्रेम से भाव से खूब अपना गाइए भगवान की। हाँ भजन समझे होगा वो खेसारी लाल के गो चेला हुए थे, तो कल पूरा समय लेकर के अपना आना आप लोग, और बढ़िया है कल। ऐसा नहीं के कल तो सब बढ़ते रहेगा सहले रहेगा, खाली बीच बीच में खड़ा होके अपन चेमुरा छोड़ा लेना। हरी ओम ज्वाला मालिन्य नमः, संपूज्य सर्वोपचाराथे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सभी भगवत प्रेमी कल पीले वस्त्र पहन कर आए, पीला वस्त्र उत्सव का प्रतीक है, महिलाएं पीली साड़ी, पुरुष पीला कुर्ता या पीले शर्ट वगैरह पहनकर बढ़िया आए, सुंदर भगवान के उत्सव में सम्मिलित हों। आइए सब लोग बड़े प्रेम से भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। हरि ओम इदगुं भविः प्रजननम मे अतुदस वीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पदु सनि लोक सन्न भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरितो अस्माशुदत्त। आरती कुंडी बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला, गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समयंग कांति काली, समयंग कांति काली, राधिका चमक रही चमक रही, लतन में ठाढ़े बनमाली, लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर की। कनक सम मोर मुकुट बिल से, कनक सम मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजे मुरचंद मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल जग तारिणी श्री गंगा, भावन श्री गंगा,
जटा के भी हरे यज्ञ की चरण छवि श्री बनदारी के गिरधर के तत भव बंद तेर सुन ली जो भिखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कृष्ण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी समर्पयामि। अरविंद जी नहीं है कि अरविंद जी LIC हरि ओम।